हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों मैं हूं सारंग और आप देख रहे हैं टिकिन गेमजू। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के जरिए मैं बताऊंगा कि आपको डेली हान पे आपका यूजर आईडी कैसे चेंज किया जाता है। डेली हान का जो है डीएच क्रिएटर का जो आपका नेम है कैसे चेंज किया जाता है। हालांकि ये वीडियो मैं नहीं बनाता, लेकिन आप लोगों ने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई कैसे बनाया जाता है, कि कैसे चेंज किया जाता है, कि प्रोफाइल आईडी यूजर नेम कैसे चेंज किया जाता है। तो मैं आज इस वीडियो के जरिए बताऊंगा, मैं आपके दावे भी क्लियर कर दूंगा दोस्तों, मैं मोबाइल से करके दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बंदों को होते हैं जो कंप्यूटर लैपटॉप पीसी नहीं होते हैं, जो लोग मोबाइल से काम करते हैं, मैं मोबाइल से ही करके दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो ऐसी ऐसे तो अच्छी बात रहेगा कि आपके पास एक लैपटॉप होगा, पीसी होगा, तो ये भी अच्छी बात है, वहां से आसानी से कर सकते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, आप मोबाइल से भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो के जरिए आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ दोस्तों, आप मेरे चैनल नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना मोबाइल के स्क्रीन को ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ से रिकॉर्ड कर लूंगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिला। सबसे पहले आपको जाना है क्रोम ब्राउजर पे। क्रोम ब्राउजर पे आपको इसमें डायल करना है डी एच क्रिएटर। इसमें जैसे सर्च करेंगे सबसे ऊपर आ गया, देखिए इसके तौर पर मैंने एक वीडियो बना के रखी थी दोस्तों कि आप डीएच क्रिएटर का जो है इसका वर्जन चेंज हो गया, इसका जो है इंटरफेस का डैशबोर्ड पूरी तरह चेंज हो गया। बहुत ही अभी मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा अपडेट आया है, बहुत ही सुंदर अच्छा भी दिखता है। अब देखते हैं, मैं इसमें क्लिक कर सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर तीन आइकन का डॉट इसमें दिख रहा है, इसमें क्लिक करना है आपको, उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको करना है यहाँ डेस्कटॉप साइड पे करना है, ठीक है, इसमें क्लिक कर दीजिएगा, डेस्कटॉप साइड पे क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको सबसे ऊपर नजर आ रहा तो डी एच क्रिएटर वर्जन 2, यानी वर्जन 2 अभी हो गया तो नया, इसके तौर पर मैंने एक वीडियो बना के रखी है दोस्तों, उसको नहीं देखा तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर देते दोस्तों, तो मैंने इसमें क्लिक कर दिया दोस्तों, मैंने इसमें ऑटोमेटिक इसमें लॉग इन हो चुका है। अगर ऑटोमेटिक नहीं होता है तो आप इसमें लॉग इन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके अभी एक डी एच क्रिएटर क्रिएटर है तो। देखिएगा मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स कोई बता देता हूँ जो कि आपको करना है, क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, बिना स्किप के वीडियो को देखना दोस्तों। सबसे इसमें लेफ्ट साइड में बात करें तो दोस्तों आपको इसमें सब कुछ दिखाता जाता है, इसमें फॉलोअर्स कितने, आपका पोस्ट कितने किया गया है, व्यूज कितने मिले हैं, आपका कमेंट्स कितने मिले हैं, और शेयर कितने लोग किए हैं, और लाइक कितने मिले हैं, ये सब शो करता है लेफ्ट साइड में। अभी बहुत ही अच्छा इंटरफेस है दोस्तों। और इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं क्रिएट पोस्ट की, बात करते हैं यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें अभी बहुत अच्छा अपडेट ये आया है कि आर्टिकल्स और वीडियो इमेज में भी पब्लिश कर सकते हैं, फोटो गैलरी भी आप अपना कोई भी फोटो के बारे में आप लिख के इसमें भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको बैक जाता हूँ और मैं सीधी पॉइंट पे आ जाता हूँ। सबसे आप देख सकते हैं इसमें राइट साइड में कोना पे आपका आइकन दिख रहा होगा जो कि आपने लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, आप उसमें क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे क्लिक कर देगा आपको इसमें दो ऑप्शन शो करता है, एक तो होता है माई प्रोफाइल, एक होता है लॉग आउट। तो सिंपल सी बात आपको माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे माई प्रोफाइल पे तो इसमें मैं एक बार दिखा देता हूँ, देखिए ये देखिए मैं इसमें जूम करता हूँ और इसको देखिए एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। ये है मेरा लोगो सबका सपोर्ट से नाम के, और इसमें डिस्प्ले नाम इसमें शो कर रहा है। मैं इसमें सिक्योरिटी नहीं रखूंगा दोस्तों, मैं पूरा तरह आपको पूरा दिखाऊंगा, ठीक है। मैं सिक्योरिटी नहीं रखा, पूरा दिखाऊंगा आप लोगों को, देखना सबका सपोर्ट। यहाँ देखिएगा ये देखिएगा ये डिस्प्ले नेम यहाँ से आपको चेंज करना है। आप ही ने बोला था आपका यूजर नेम चेंज करना है, अब मैं दोनों ही चेंज करके एक तो डिस्प्ले नेम भी चेंज करके दिखाता हूँ। ये डिस्प्ले नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिस्प्ले नेम लोग देखते हैं कि आपका चैनल का नाम क्या है। और ये हैंडल आपने बोला था यूजर नेम कैसे चेंज करना है इसको भी, ठीक है। उसके बाद आप बायोडाटा भी इसमें जो है इसमें दे सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना डिस्प्ले नेम ही यहाँ से चेंज करके दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी इसलिए, तो मैं यहाँ पे रखूंगा एग्जाम्पल के लिए, डेमो के लिए डीडी टीवी न्यूज ही रख देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए डीडी टीवी न्यूज में इसमें रख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, देखते सपोर्ट करता है कि नहीं। अगर इसके नाम से ऑलरेडी और एक है तो इसमें इस नाम से नहीं रख सकते हैं आप, इसको यह हमेशा याद रखिएगा। कभी कभी इसमें रॉन्ग भी दिखाएगा, उसमें दिखाएगा ऑलरेडी देयर इज एन यूजर, इसमें इस प्रकार का शो कर सकता है, ठीक है। अगर उसको शो नहीं करता और दूसरा चेंज करके देख सकते हैं। इसका तो मैं देखिए और इसको मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं वही दे देता हूँ डीडी टीवी न्यूज, चलिए इसको देखता हूँ होता है कि नहीं। इसका मतलब इसमें टिक मार्क लगा हुआ है दोस्तों, इसमें ग्रीन टिक मार्क लगा हुआ है दोस्तों, इसका मतलब ये सही है। इसका मतलब कोई भी बंदे लोग इसको अभी तक नहीं लिया, तो मैं इसको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से देखिएगा एक बार। देखिए डीडी टीवी न्यूज,
ऊपर में डिस्प्ले नेम भी DDTV न्यूज, आप चाहे तो दूसरा भी रख सकते हैं। ठीक है, मैं इसी ये डेमो के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। उसके बाद देखिए इसमें टिक मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब सही है। अगर इसमें सही नहीं रहता तो इसमें क्रॉस मार्क रहा होता, ग्रीन रेड कलर का इसमें क्रॉस मार्क रहता। ठीक है, अब ये सही है तो ग्रीन मार्क है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। देखिए ये सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ मैं। देखिए अब देखिए ये सबमिट हो चुका है, अब मेरा चेंज हो गया। देखिए ऊपर दिखा देता हूँ, यहाँ पे चेंज हो गया, उसमें आ गया, उसमें चेंज हो चुका है। ठीक है, देखिए ये चेंज हो गया ना चेंज। बहुत ही सिंपल स्टेप है दोस्तों, आप पूछ रहे थे कि क्या ये है वो है, भैया ये नहीं होगा, एकदम सिंपल सा स्टेप है दोस्तों, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सिंपल मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, डैशबोर्ड पे जाने के लिए डैशबोर्ड पे क्लिक करना होगा आपको। अभी तो मैंने ये पब्लिश नहीं किए हैं क्योंकि ये मेरा नया अकाउंट है, तो मैं इसमें बस डेमो के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, आप फिर से मैं उसको एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ, आपको डाउट क्लियर कर देता है सही में इस सच में ये चेंज हो गया या नहीं हो गया। क्लिक कर लेता हूँ, माई प्रोफाइल पे जाता हूँ, दिखा देता हूँ, हो गया। देखिए DDTV न्यूज और DDTV न्यूज दोनों चेंज हो गया। देखिए हो गया ना, आपका डाउट क्लियर हो। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको करना है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और अच्छा लगा होगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए तो बना ही देते हैं इसके तौर पर एक वीडियो। तो सोचा क्या सुबह सुबह बनाया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को इन्फॉर्मेशन वीडियो ये बहुत ही पसंद आई, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे हो सके तो, और मेरे चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।